हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। आप वीडियो कब देख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इंजीनियर जो डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, इन लोगों का एक स्ट्रगल करने का एक मैंने देखा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो खास करके जो फ्रेशर हैं और जो GCC कंट्री में जो जॉब करने के लिए जाते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि जो इंजीनियर है, फ्रेशर है, जो डिप्लोमा किए हुए लोग हैं और बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, उनका क्या किया जाए, क्योंकि मार्केट में उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है और इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि टूट जाते हैं। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आप फ्रेशर हैं, बस एक आपके सर पे एक स्टाम्प लगा हुआ है फ्रेशर का, जिसके कारण में सारे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्लाइंट्स को रिटर्नर चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, लेकिन एक बात ये भी सत्य है भाई कि अगर आप फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, फ्रेशर को आप मौका नहीं दोगे, तो फिर रिटर्नर कैसे बनेगा? फिर मार्केट में रिटर्नर तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, डायरेक्ट कॉलेज से तो कोई नहीं आता है। कोई भी पढ़ाई करके डिग्री डिप्लोमा लेकर ही आता है, सर्टिफिकेट लेकर आता है और फिर उसके बाद वर्क करता है, और वर्क करने के बाद वो रिटर्नर बनता है या एक्सपीरियंस्ड होल्डर बनता है। ओके, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि उनको डायरेक्ट रिटर्नर ही चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। तो ये एक अलग लॉजिक चीज़ है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे वो दुनिया का कोई भी एम्प्लॉयर हो, वो कभी नहीं चाहता है कि हम कोई फ्रेशर नए बंदे को लेकर आए, ठीक है ना? तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ये चलिए एक अलग मैटर है। मैंने देखा है गाइस, भाई मैंने देखा है बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए, खास करके जो इंजीनियर है, फ्रेशर हैं, या जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, या जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, या आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ का जो लोकल एक्सपीरियंस है, लोकल कंपनी है, वहाँ की एक्सपीरियंस है, आपके पास GCC की एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर कभी भी आप एज ए इंजीनियर जाना चाहते हैं तो आपके पास GCC का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है। निवास तो नहीं होता है, लेकिन इन लोगों ने बना दिया हुआ है कंपनी वालों ने। क्लाइंट जब भी आएगा आपसे GCC का एक्सपीरियंस मांगेगा कि आपके पास गल्फ में, अब्रॉड में, दुबई, सऊदी, ओमान, कतर में आपने GCC में कितने दिन काम किए, ठीक है ना? आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? तो आपके पास तो है नहीं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं भी किया जाता है, आपको सिलेक्शन भी होता है, तो बोलेंगे सुपरवाइज़र में चलो, फोरमैन में चलो, आपकी सैलरी ये होगी। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल 100% ऐसा ही होता है, और उनका शोषण किया जाता है। भाई अच्छे भले पढ़ाई करके आए हैं, नॉलेज भी है, टैलेंट है, पर्सनालिटी अच्छी है, फिर आप उसका क्यों, उसकी सैलरी कम कर रहे हो, फिर क्यों आप उसकी पोजीशन कम कर रहे हो? तो इस सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं एक रास्ता निकाल कर आया हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट किया था मैं कुछ लोगों पे कि चेक करते हैं कि ऐसे उनको कामयाबी मिलती है कि नहीं, ऐसे सक्सेस मिलता है कि नहीं, ऐसे वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन ये मेरा टेक्निक सही निकला तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं शेयर कर दूँ। जो मेरे भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी से टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। वन टाइम लाइफ मिलता है, इसी में सब कुछ करना है। अगर नेगेटिव होकर के नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएगा, ब्रेन में आएगा, आधी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये सब निकाल दो, सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, होती रहती है। लेकिन अब आपको उसमें से एक रास्ता ढूंढना है, पकड़ के बैठ कर रोना नहीं है, रोते हुए नहीं रहे, एक रास्ता निकालना है। वो रास्ता मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो में आपको याद दिलाना पड़ता है, आपको रिमाइंड करना पड़ता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इन फ्यूचर आपके साथ जुड़ा रहूं, एक मज़बूत रिलेशन हो आपके साथ और हमारी सारी वीडियोस आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना गाइज। चलिए गाइज, बात करते हैं क्या करना चाहिए आपको। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास रिटर्नर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो घबराइए नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, आपने सुना होगा सेफ्टी, ठीक है ना, सेफ्टी, HSE, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का एक अपना अलग दुनिया होता है। जैसे कि आपका एक इंजीनियरिंग है, या आपका इलेक्ट्रिकल है, या आपका मैकेनिकल है, सिविल है, उसी तरह से HSE का एक अपना वर्ल्ड है। और किसी भी इंडस्ट्री में, दुनिया की चाहे छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ इंडिया हो, खाड़ी देश हो या यूरोप देश हो,
HSC के बगैर काम पॉसिबल ही नहीं है। उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते हैं और साइट पर हजार्ड्स और एक्सीडेंट को कंट्रोल करते हैं, हजार्ड्स को एलिमिनेट करते हैं और एक्सीडेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट होता है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना नहीं तो मिस हो जाएगा। सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट होता है। आपको करना क्या है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको सेफ्टी का एक कोर्स होता है, निबोश IGC 3, निबोश IGC 3 एक कोर्स होता है, 10 डेज का है, अराउंड 50,000 जेन्युइन जो इसका फी होता है। आप कर सकते हैं ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से जो ऑथराइज्ड है, ठीक है ना, जो ऑथराइज्ड है, कहीं से भी आप, फेक इंस्टीट्यूट भी बहुत सारा चल रहा है, वहाँ से आप जाकर के आप नेट पे गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो नहीं बताना चाहिए चैनल पे, ग्रीन वर्ल्ड है, आप मुंबई दिल्ली हर जगह आपको मिल जाएगा ग्रीन वर्ल्ड, वहाँ से जाके आप कर लो, वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये कोई मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने बता दिया कि आप परेशान, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं, परेशान है, सर्च करेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर इसमें करो उसमें करो, इसलिए ग्रीन वर्ल्ड से कर लो, ठीक हो जाएगा। अगर करना है तो ग्रीन वर्ल्ड से 10 डेज का ये कोर्स होता है, 10 डेज लगता है और 10 डेज वो लोग स्टडी कराते हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम दिला देंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है सेफ्टी के बारे में तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ाना होगा पढ़ाई करने के लिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए। अगर IGC 3 आपने पास कर लिया, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 एग्ज़ाम, अब तो 2 ही हो रहे हैं, अगर आप पास कर लेते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होता है, तो इंटरनेशनल वैल्यू होता है इसका। आप वर्ल्ड के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एज ए सेफ्टी मैनेजर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, आपका तो डिपार्टमेंट अलग है, आपका तो इंजीनियर, आप तो इंजीनियर हैं, आप तो डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास डिग्री होल्डर हैं, तो मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ भाई। तो यही इलाज करने का एक तरीका है, अगर आपके पास नहीं है डिग्री, सॉरी, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप निबोश IGC 3 कर लेते हैं तो ये डबल इंजन बन जाती है आपकी गाड़ी, यानी कि एक इंजन आप में लगा हुआ है, एक दूसरा भी इंजन लग जाएगा। तो आप अगर जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में GCC के लिए या यूरोप के लिए या GCC कुवैत कतर के लिए, तो वहाँ पर क्लाइंट देखेगा कि आपके पास निबोश IGC 3 है। तो अगर आप मूड चेंज भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एज ए सेफ्टी मैनेजर और एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेफ्टी सुपरवाइज़र में भी आप चले गए ना, तो ये आपका जो इंजीनियर में आप जो जा रहे हो उससे ज़्यादा सैलरी रहेगी, सैलरी बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। अगर नहीं भी करते हैं तो आप डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ आप इंजीनियर हैं और दूसरी तरफ आप सेफ्टी हैं, आपकी डबल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, डबल वैल्यू हो जाएगी। अगर इंजीनियर में ही जाना चाहते हैं तो आप इंजीनियर में जाइए, लेकिन अगर आप लगा देंगे कि मेरे पास निबोश IGC 3 भी है, तो क्लाइंट खुश हो जाएगा, भाई मुझे एक आदमी से 2 काम कराने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अगर मैं इसको एज ए इंजीनियर लेकर जा रहा हूँ, एज ए इंजीनियर लेकर जा रहा हूँ, तो अगर हो ना हो, अगर मेरे पास काम कम हो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो इसको मैं एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र भी मैं कर सकता हूँ, सैलरी आपकी उतना ही रहेगी। हो सकता है आप मैनेजर भी बन जाओ, अगर छोटी कंपनी रहेगी तो जल्दी 1 साल के अंदर ही सेफ्टी मैनेजर, तो आपकी सैलरी जितना आप इंजीनियर में जो आप पैसा अर्न करोगे उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा एज ए सेफ्टी मैनेजर। तो इसको हल्के में नहीं लीजिए, ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, अगर आप ये कर लेते हैं तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी आपकी, सॉरी दोस्तों, सरकार हो जाएगी। तो ये डबल इंजन की जो आपका जो एक गाड़ी बन जाएगा, और बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएगा, जो वहाँ के जो क्लाइंट्स जो आएंगे इम्प्रेस्ड हो जाएंगे आपसे, और आपको क्विक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मानो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, और ये आप भी आजमा सकते हो अगर अपने करियर से आप निराश हो गए हो तो। लेकिन अगर आप सिंपली जा रहे हो, आपका सिलेक्शन है, तो छोड़ो, फिर इसको नहीं करो आप। लेकिन अगर आप अपने करियर से नेगेटिव हो चुके हैं, आप फ्रेशर हैं, काम हो ही नहीं रहा है, सालों से मुंबई दिल्ली में आप धक्का खा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या सिलेक्शन भी हो रहा है तो आपकी सैलरी बहुत कम है, जो आप कंफर्टेबल नहीं हो उस सैलरी में, तो आपके लिए मैंने ये सजेशन बताया है। ये सजेशंस बिल्कुल 100% फ्री है और ये काम करता है।
ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप सेफ्टी में चले जाइए, या फिर अपने जो पुराने जो इंजीनियर हैं जो जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसी पोस्ट पे जाइए। तो इस तरह से डबल काम हो जाएगा, डबल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर आप इंजीनियर में जाएंगे, अगर आपकी वैकेंसीज है, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्लाइंट देखेगा कि आप निवोस IGC 3 किया हुआ है, एक सबसे अच्छी बात है। उसके पास भी उस कंपनी में सेफ्टी वाले हैं, अगर यहाँ नहीं बात बनी तो वहाँ डाल देंगे आपको। तो एक आपका डबल इंजन बन जाते हैं आप, आपकी काम हो जाती है। गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, मेरा वर्ड ख़त्म हो रहा है। इसको आप आजमा सकते हैं, एक मौका है आपके पास, इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी है। 50,000 लगता है, निवोस IGC 3 कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए आप, लेकिन एक ग्रीन वर्ल्ड से कीजिएगा। तो ये मेरा, मैं जानता हूँ इसको पर्सनली कि हाँ ये ठीक है, तो करके आप चले जाइए, बस यही बोलना था। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।